दोस्तों, द न्यूज़ वीक के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। 26 जुलाई 1902 यानी आज से 118 साल पहले कोल्हापुर के राजा छत्रपति शाहूजी महाराज ने अपने राज में ये ऐलान कर दिया था कि सभी सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए 50% पद आरक्षित होंगे। शिवाजी महाराज के वंशज शाहूजी महाराज ने अपने राज्य कोल्हापुर में सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए कई कदम उठाए। 26 जुलाई 1902 को उन्होंने कोल्हापुर के गजट में गैर ब्राह्मणों के लिए 50% आरक्षण की घोषणा की थी। गजट में लिखा था, महाराज को ये घोषणा करते हुए खुशी महसूस हो रही है कि आज के इस ऐलान के बाद से राज्य में हर तरह की भर्तियों में पिछड़े तबकों के लिए 50% पद आरक्षित किए जाएंगे। सभी सरकारी दफ्तरों जिनमें पिछड़े तबके के कर्मचारी 50% से कम हैं, उन्हें अगली भर्तियों में नियुक्त किया जाएगा। पिछड़े तबके का मतलब था गैर ब्राह्मण। जिस वक्त ब्राह्मण कोल्हापुर के 90% नौकरियों और शिक्षा पर काबिज थे, उस वक्त शाहूजी महाराज ने दलित, आदिवासी और पिछड़ों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर सामाजिक न्याय की स्थापना की थी। महज 20 साल की उम्र में राजा बने छत्रपति शाहूजी महाराज ने तकरीबन 28 साल की उम्र में ये क्रांतिकारी ऐलान कर दिया। ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने ऐसा विद्रोह किया जिसके बारे में कोई राजा सोच भी नहीं सकता था। न्याय और समानता में यकीन रखने वाले शाहूजी महाराज महात्मा ज्योतिबा फुले से काफी प्रभावित थे। भारत में पिछड़े तबकों के लिए आरक्षण की चर्चा सबसे पहले महात्मा ज्योतिबा फुले ने की थी। 1881 में शिक्षा व्यवस्था पर बने हंटर कमीशन के सामने ज्योतिबा फुले ने प्रस्ताव पेश किया था कि भारत में जातिवाद और वर्ण व्यवस्था के कारण सैकड़ों जातियां गुलाम हैं, इसलिए उन्हें आरक्षण दिया जाना चाहिए। महात्मा फुले ने ब्रिटिश सरकार के सामने पिछड़े तबकों के आरक्षण की पैरवी की। उनके इन विचारों का शाहूजी महाराज पर भी गहरा असर पड़ा। उदारवादी विचारों वाले शाहूजी महाराज खुद भी ब्राह्मणवाद का घटिया चेहरा देख चुके थे। अक्टूबर 1899 में शाहूजी महाराज जब पंचगंगा नदी में धार्मिक अनुष्ठान कर रहे थे, तब उन्होंने नोटिस किया कि ब्राह्मण पुजारी वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं कर रहा। वेदों की जगह पुजारी पुराण के मंत्र बोल रहा था। महाराज ने टोका तो उसने कह दिया कि क्योंकि मराठा शूद्र वर्ण में आते हैं, इसलिए उनके लिए वेदोक्ता नहीं किया जा सकता, क्योंकि वेदोक्ता यानी वेदों के मंत्रोच्चारण सिर्फ ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए होते हैं। इस घटना से शाहूजी महाराज इतने भड़क गए कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि कोल्हापुर के किसी भी मंदिर, मठ या फिर धार्मिक संगठन को सरकारी खजाने से एक भी पैसा नहीं दिया जाएगा। इसके बाद उन्होंने ब्राह्मणवाद के खिलाफ सामाजिक सुधार की अलख जगाई। उदारवादी विचारों वाले शाहूजी महाराज मानते थे कि इस धरती पर पैदा हुआ हर इंसान बराबर है, हर किसी को बराबरी का हक मिलना चाहिए और हर किसी के साथ न्याय होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मूक नायक को आर्थिक मदद देने से लेकर बहिष्कृत वर्ग परिषद की बैठक में हिस्सा लेने तक, एक दलित चाय वाले गंगाराम कांबले की दुकान पर चाय की चुस्कियां लेने से लेकर प्राथमिक शिक्षा को जरूरी बनाने का कानून लाने तक, शाहूजी महाराज की क्रांतिकारी सोच और न्यायप्रियता की झलक साफ साफ देखी जा सकती है। शाहूजी महाराज के विचार हमें हमेशा यूं ही प्रेरित करते रहेंगे।